ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिडटर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के मिडटर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए आर इंक्लूडेड, ये इंक्लूड है किसके अंदर, फाइव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट सिवाय एक को छोटे, वो है डेलीगेशन, वो नहीं होता इसमें। उसके बाद ये वन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर जो है एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्लांट की यूजेस टू स्पेंड हर डे, वो अपना जो है वो स्पेंड करती है दिन जो है ट्राइंग टू इंश्योर, इस बात को इंश्योर करने में डेट दी मटेरियल वेस्टेज इज नॉट मोर देन 10% के मटेरियल वेस्टेज जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं है। शी स्पेंड हर डे इन परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि अब ये सब क्या कहलाया जाएगा, जिस तरह का जो है इस मैनेजर का जो टाइम गुजरता है काम में, तो ये काम किस तरीके का काम है, ये है कंट्रोलिंग का। उसके बाद ये कि वसीम एंड सन्स प्राइमरीली वांट टू गेन कंट्रोल ओवर दी प्राइसेस चार्ज टू कंज्यूमर, व्हाट स्ट्रेटजी विल मोस्ट लाइकली बी टू बी फॉलोड बाय वसीम एंड सन, इसका जवाब है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि आई एफ ई मैट्रिक्स जो है समराइज करता है एंड इवेल्युएट और इवेल्युएट करता है विच फैक्टर इन दी ऑपरेशनल एरियाज ऑफ बिजनेस, कौन से फैक्टर्स जो ऑपरेशनल एरियाज में बिजनेस के वो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि प्रोवाइडिंग अ हाई परसीव्ड वैल्यू प्रोडक्ट टू अ सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट विच जस्टिफाइज अ सब्सटेंशियल प्राइस प्रीमियम। उसके बाद ये कि खावर गारमेंट्स जो है अ डोमेस्टिक फार्म बिगिंस टू एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करना शुरू करती है टू इंडिया तक। इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जांपल इनमें से किसकी वो है मार्केट डेवलपमेंट। उसके बाद ये कंपनी एक्वायर्स और डेवलप न्यू प्रोडक्ट, कंपनी एक्वायर करती है डेवलप करती है न्यू प्रोडक्ट डायरेक्ट टू अपील टू इट्स करंट कस्टमर ग्रुप्स, इवन दो दोस न्यू प्रोडक्ट्स मे बी टेक्नोलॉजी अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट, इसका जवाब है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद ये अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो इज इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ इट्स मार्जिनल बिजनेस, वो इन्वॉल्व इन सेल के अंदर मार्जिनल बिजनेस की, इट इज मोस्ट लाइकली टू से दैट अब्दुल्ला ग्रुप इज इंप्लीमेंटिंग डैश स्ट्रेटजी। सो ये ज्यादातर पर मुमकिन है कहना कि अब्दुल्ला ग्रुप जो है वो इंप्लीमेंट है कौन सी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में, रिट्रेंचमेंट। उसके बाद ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन आर क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, मर्जर्स और एक्विजिशन जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं तमाम रीजंस के लिए एक्सेप्शन एक को छोड़ के, वो है फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद ये इन विच ऑफ द गिवन फेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो गिवन फेजेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के, स्ट्रेटजीज आर पुट इन टू एक्शन, कौन से फेज में स्ट्रेटजी को पुट किया जाता है एक्शन के अंदर, वो है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद ये डैश इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट दैट गाइड बिजनेस दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग, सो इसका जवाब है बिजनेस एथिक्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय द स्ट्रेटजिस्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको पहले क्रिएट किया जाता है और फॉरमोस्ट बाय स्ट्रेटजी, और फिर फॉरमोस्ट कहते हैं स्ट्रेटजिस्ट, वो है विजन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि फॉल्स है विजन और मिशन स्टेटमेंट के बारे में, वो है कि विजन स्टेटमेंट गिव्स द ओवरऑल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ पिक्चर ऑफ द प्रेफर्ड फ्यूचर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ की दैट कैन रिवील इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कौन सा ऑप्शन ऐसा है इनमें से जो कि नहीं है एक की जो कि रिवील कर सकता है इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, वो है डज द फर्म हैव लिक्विड गुड लिक्विडिटी। इसके बाद ये डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज आइडेंटिफाई द टर्म रिलेवेंट टू द गिवन स्टेटमेंट, वो है गोल। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में तमाम ऑप्शन शामिल हैं जो कि दिए गए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है वेरिंग। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, सो इसका जवाब है परफॉर्म इंटरनल रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स। उसके बाद ये विच कंपोनेंट of a mission statement addresses the basic beliefs, values, aspirations and ethical priorities of the firm, kaun se component jo hai mission statement ke address karte hain basic beliefs, values, aspirations aur ethical properties firm ki, wo hai philosophy. uske baad ye ki identifying and evaluating social, political, economic, technological and competitive trends and events, which of the following best describe this events, iska jawab hai performing an external audit. uske baad ye the purpose of an external audit is to act, jo purpose hai external audit ka wo kya hai, is to prepare a list of the which of the following, iska jawab hai opportunities and threats. uske baad ye ki Rahman Industries are leading firm of the tech industry as analyzing the technological forces for the firm which may provide it opportunities and threat for which stage of the strategic management process, iska jawab hai strategy formulation. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है ये स्टेटमेंट को, जो कि सिस्टमैटिक एंड एथिकल प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक और एथिकल प्रोसेस गैदरिंग के लिए और एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कॉम्पिटिशन की एक्टिविटीज़ की और जो जनरल बिजनेस ट्रेंड है ताकि टू फर्दर अ बिजनेस ऑन गोल, इसका जवाब है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम. उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ बेसिक मिशन, वो बेसिक मिशन नहीं है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, वो है टू आइडेंटिफाई करना इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव हु कुड बी हायर्ड बाय द फर्म.
उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इज करेक्ट, वो करेक्ट है इन रिलेशन टू द फाइव फ्रेमवर्क फोर्सेस फ्रेमवर्क, वो है द फ्रेमवर्क इज अ मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फोर्सेस विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इंडस्ट्री। उसके बाद ये वाइल प्रिपेयरिंग एन एक्सटर्नल फैक्टर इवोल्यूशन मैट्रिक्स, जब प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर इवोल्यूशन मैट्रिक्स, अ टोटल स्कोर ऑफ 0.8 इंडिकेट, एक टोटल स्कोर जो 0.8 का इंडिकेट करता है इनमें से क्या, वो है फर्म इज नॉट टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फर्म जो ले नहीं रही एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज का, एंड इट नॉट अवॉइडिंग थ्रेट और अवॉइड नहीं कर रही थ्रेट्स। उसके बाद ये क्या इंटरनल एनालिसिस इन्वॉल्व, इंटरनल एनालिसिस में शामिल है क्या, गैदरिंग और एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ अ फर्म एक्सेप्ट इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर